यार मेरे सच में। और तुम्हें तो पता ही है कैसे हो। तो करेंटली मेरी अभी पोस्टिंग चल रही है पल्मोनरी मेडिसिन की, जिसको मैं बताऊँ तो मैं बहुत टाइम से गया नहीं हूँ, मतलब जब से वो शुरू हुई तब से मैं गया नहीं हूँ। एंड आज 8 बजे की क्लास भी मिस हो गई क्योंकि मैं सोता रह गया। तो अभी 9 से जो 12 पोस्टिंग होती है वो जाने की फुल कोशिश में हूँ। एंड पल्मोनरी मेडिसिन में तो शायद थोड़ा लेट जा सकते हैं, जल्दी छुट्टी हो जाती है तो एक चिल रहेगा थोड़ा। बाकी तो बाकी यार कुछ नहीं चल रहा है यार ज़िंदगी में, अभी तो सब सही है। अभी एथनिक डे हुआ है तो वो भी बहुत सही चला गया, मतलब यार पहली बार हो रहा था एथनिक डे हमारे यहाँ पे, लग नहीं जाता इतना अच्छा होगा, बट ठीक है सही चला गया। उसके बाद अभी हम ट्रिप से आए, ट्रिप तो तुम सबने देख ली होगी कैसी गई थी यार। लखनऊ ट्रिप से तो अच्छी थी, ऋषिकेश वाली तो नया नया एक्सपीरियंस था यार। पूजा देखी, राफ्टिंग तो वैसे मनाली में भी करी थी। मनाली ब्लॉक का दुख तो हमेशा ही रहेगा, याद मत दिलाओ यार मुझे, ठीक है। अभी 9 से 12 पोस्टिंग होगी, 12 से एक क्लास होगी एंड उसके बाद 2 से 4 फिर से क्लास होगी। हल बहुत बड़े हो रहे हैं, इनको कटवाना है बट अभी थोड़ा टाइम से कटवाएंगे। मेरे एग्जाम्स आने वाले, मैंने बताया था इस महीने के एंड तक, तो यार बाल कटानी पड़ेंगे ऑब्वियसली। यार मेरी सच में आँखें भी ऐसे हो रखी है भाई, क्योंकि आदत नहीं है भाई जल्दी क्लास जाने का, जल्दी क्लास जाने की आदत यार बिल्कुल हट सी गई है। ब्रश व्रश करते हैं एंड उसके बाद कॉलेज आते हैं। साल में धीरे धीरे साल बीतता जाता है, वैसे वैसे मोटिवेशन कम होने लग जाती है कॉलेज जाने की, बिल्कुल मतलब लो हो जाता है भाई ऑल टाइम, बट ठीक है चलते हैं। ब्रश वर्श हो चुका है, जल्दी से पोस्टिंग के लिए जाते हैं पल्मोनरी मेडिसिन की एंड ठीक है करता है। उसके बाद क्या ही है ज़िंदगी, इसी में रह जाएगी भाई पोस्टिंग वोस्टिंग में जाने, बट ठीक है कोई नहीं फैलेंगे। पहले वाले हॉस्टल की बात करें तो वहाँ पे हमारा एक फ्लोर था, लाइक 7 रूम रहते थे एंड वो फ्लोर पूरा अपना ही था। यहाँ पे तो भाई ये पूरा एक माया जाल टाइप है भाई, भाई रूम्स ही रूम्स है। वो देखो वहाँ पे दूसरा विंग है एंड वहाँ पे उसके साइड में भी है और वहाँ पे बस रूम्स ही रूम्स भरे हुए हैं। ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक रूम्स ही रूम्स है, बड़े बड़े रूम्स है भाई। हमें तो वैसे भी छोटे रूम्स में रहने की आदत सी हो गई थी, स्टेयर से सिंगल सीटर हो जाएगा, वो भी डिस्टेंस के हिसाब से होता है कि जिस किसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा दूर है उसको सबसे पहले मिलता है, चलता है। तो सुबह सुबह उठ ही गए तो सोच रहा हूँ थोड़ा पढ़ ही लूँ, मतलब इससे क्या होगा कि दिन की थोड़ी अच्छी शुरुआत रहेगी एंड अच्छा माइंडसेट रहेगा, ये भी रिग्रेट नहीं होगा कि पूरे दिन कुछ नहीं किया। तो पूरे यार दिन में भाई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है क्योंकि बहुत सारे लोग भी होते हैं, पर यार सुबह सुबह थोड़ा खाली खाली रहता है तो पढ़ना ईजी रहता है। तो एग्जाम्स आ रहे हैं और तुम्हें तो पता ही है एमबीबीएस के सिलेबस के बारे में, और जो हमारे एग्जाम्स का पैटर्न होता है उसमें सबसे पहले एमसीक्यू पेपर दिया जाता है, देन उसके बाद थ्योरी पेपर दिया जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए और जो हमारा अल्टीमेट गोल है मतलब पीजी एग्जाम देने के लिए, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ प्रेप लैडर का क्वेश्चन बैंक 5.0 से। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि क्लिनिकल क्वेश्चंस पीजी एग्जाम्स में कितने ज्यादा आने लगे, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू नो द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस देम टाइम एंड अगेन। तो इसमें मुझे हेल्प करता है प्रेप लैडर का क्वेश्चन बैंक, जो कि एक्ट करता है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग टूल, जो कि इंडियाज ओनली क्लिनिकल क्वेश्चन बैंक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर चूज किया है तो नीचे सही आंसर के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ रॉन्ग ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। इससे क्या होता है कि सही आंसर का कॉन्सेप्ट तो पता चलता ही है, पर साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है तो क्यों है। इससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज्यादा मदद होती है क्योंकि रॉन्ग आंसर का एक्सप्लेनेशन भी एज अ क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है, तो इससे थ्योरी भी अपने आप रिवाइज हो जाती है। एंड ऑब्वियसली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही है जो कि क्वेश्चन की एक ब्रीफ समरी प्रोवाइड करते हैं, मतलब द मेन थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द क्वेश्चंस वो यहां दिए जाते हैं, और लेक्चर्स के बीच बीच में आपको ट्रेजर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं टू क्विकली रिव्यू द कंसाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट अ गिवन टॉपिक। तो व्यूइंग और लर्निंग दोनों साथ साथ में हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर तो मुझे प्रेप वोकैब का लगता है, जो कि एक इनबिल्ट डिक्शनरी है, मतलब व्हेन यू क्लिक ऑन द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सॉल्यूशन यू गेट द मीनिंग ऑफ द सेम, सो नो मोर गूगल बाबा की हेल्प और डिस्ट्रैक्शंस। एंड फीचर्स लाइक माइक्रो टॉपिक्स एंड एक्टिव गाइडेंस भी बहुत ज्यादा वैल्यू एड करते हैं मेरी प्रिपरेशन में, तो मतलब ये सब करना तो मस्ट हो जाता है। तो अभी जल्दी से चलते हैं पोस्टिंग के लिए, पखारी और रंज भी जा रहे पोस्टिंग के लिए। पखारिया कौन सी पोस्टिंग है? PSM कैसी? कम्युनिटी गेम। ठीक है भाई काटते हैं भाई। कम्युनिटी मेडिसिन तो कम्युनिटी मेडिसिन की पोस्टिंग में बता दूं भाई बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है भाई, कहीं ना कहीं ले जाते ही रहते हैं इधर से उधर। आपने मेरी देखी होगी मेडिकल पोस्टिंग्स वाली वीडियो तो देखा होगा भाई, इधर से उधर धूप में ले जाते रहते हैं।
था बोल मेहनत होती है यार मतलब, और हम तो इतना पीक धूप में गए थे भाई, इनका तो तब भी ठीक है एंड सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी एंड अब तो भाई ऐसा होता है कि पीएसएम वाले जब वार्ड लीव होती है ना, मतलब हर पोस्टिंग के एंड में एक वार्ड लीव होती है, एक टेस्ट टाइप होता है, तो उसमें भाई हम 60 बच्चे थे, 60 के 60 फेल थे मतलब पूरे मतलब ऐसा था मैं आया मैंने अपनी लिस्ट देखी, मैंने कहा अच्छा 76% लिखा है, मैंने ओ भाई साहब भाई 76% फिर वहां देखा तो अटेंडेंस थी साइड में तो लिखा था फेल, तो ठीक है वी विल ट्राई कि हम ये लेगेसी मेंटेन करें। कोई नहीं तुम भी, तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है, चलो अपन भी चलते जल्दी से आ गए 11 बजे आ गए हूँ, थोड़ी जल्दी छुट्टी हो गई पोस्टिंग से एंड अभी 11 बजे एंड इसके बाद 12 से एक क्लास है पैथ की, वो अटेंड करनी है कि 12 से एक जाना है पैथ क्लास एंड उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फोनियस हमारे जो मंथली इवेंट होते हैं, लोग आते हैं तो सिंगिंग का होता है, तो उसमें मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ करने का, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं ताकि एक से दो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अभी मैंने एथनिक डे / गणेश चतुर्थी वाली वीडियो लाइव कर दी है, तो उसको भी देख लेना, मतलब देख ली होगी वो, तो तुमने बताना फिर कैसी लगी नीचे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी उठाऊ मैं अभी पोस्टिंग खत्म हुई है एंड जस्ट पढ़ने लग गया है, 11 बज रहे, अभी 12 भी नहीं बज रहे भाई, अभी ये आराम करने का टाइम होता है। मैं रात में 3 बजे तक वेब सीरीज देख रहा था, कंपेंसेशन कर रहा हूँ। 3 बजे तो वेब सीरीज देख रहा था, 3 बजे तक तू पढ़ाई कर रहा था, पता है क्या करता है? डायरीज देख रहा था, पता है क्या करता है? रात भर पढ़ता है ये, रात भर पढ़ता है और फिर यहाँ पे ना मजे करने आ जाता है और फिर ना 5 मिनट में चला जाता है। ये रूमर्स है भाई, ये बोल रहा है कि मेरे बेड पे कोई सो रहा है इसलिए मैं यहाँ आ जाऊंगा और यहाँ पे बैठने पड़ गया, बताओ पढ़ने लग गया, ये भी पढ़ने लग गया, ये भी अरे भाई तो इससे इतना ही कंटेंट मिलेगा, ये स्क्रीनशॉट है, ये एक स्क्रीनशॉट है, ये एक स्क्रीनशॉट है, एआई से बनाया इतना। गणपति वाली वीडियो में इसने बहुत ज्यादा बोल दिया तो वो भी बड़ी बात हो गई, इसके बेड पे चिराग सो रहा था, चिराग को पहचान नहीं हो रहा। छी भाई, उसे पहले से पहचान लूं मैं भाई, हॉस्टल में रह रहा है ना तो अब कुछ भी देख के तेरे को पहचानना पड़ेगा। तो पखारे करेंटली नाइस भाई, कैसी लगी रील? वही देख रहा हूँ पहली बार, अभी मैंने वीडियो डाली थी बट करेंटली उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो यार उसको हम कल शिफ्ट कर देंगे, जो गणपति वाली वीडियो एथनिक डे वाली, तो वो तो ठीक है बट अभी कोर्ट वोट में दिख रहा है। कैसी गई पोस्टिंग तेरी आज, कहाँ थी? अरे हमें अहिल्या देवी भाई, मतलब नर्सिंग कॉलेज, सीधा सीधा बोल दे, कॉलेज गए थे हम लोग जहाँ पे बस लड़कियां ही होती है। नहीं ऐसा नहीं है, लाइक ऐसा है कि हमें ना बेड मेकिंग सिखाया गया, इंजेक्शन लगाना सिखाया गया और लाइक पीएसएम की पोस्टिंग थी, तो अलग अलग जगह लेके जाते हैं घुमाने नहीं मतलब घुमाने एंड तुम जैसे बच्चे एंड में आते हैं बस अटेंडेंस लगाने, स्टार्टिंग 9:30 बजे पहुंचना होता है हमें और फिर उसके बाद फिर वो लेके जाते हैं, पढ़ाते हैं। अभी जा रहे हैं क्लास के लिए 12 से 1 की क्लास, यहाँ पे हमें एक रेयर साइटिंग देखने को मिल रही है सोमियम क्लास के लिए, मैं पहली बार देख रहा हूँ इसे क्लास जाते हुए, वैसे तो भाई पीछे से ही आता है बस एंड में काम करने के लिए, साजिश से रची जाती है भाई, तू इसे बदनाम करने के लिए आर्टसन आया था और गया था। हाँ हाँ भाई मैं सबके दिलों में रहता हूँ, आऊँ ना दिलों में रहता है, आर्टसन आया मैं आया था पोस्टिंग में गया, तो प्रॉक्सी लगा दी मेरी तुमने? प्रॉक्सी ऑक्सी नहीं लगा। अभी तरह अंदर क्लास चल रही है, जा भाई इसलिए बोला था व्लॉगिंग मत कर चल ले, पता था जब भी मैं सोमन के साथ रहता हूँ ना यही होता है, क्योंकि ये मुझे हमेशा ना ऐसे लेट ही आता दिखता है। वही तो क्लास नहीं आने वाला था, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि HOD बैंक की क्लास है, हमें मिस नहीं करनी चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था भाई प्रॉक्सी नहीं लग पाएगी तो आ जाइयो। सौम्यम अपनी अटेंडेंस भाई, अभी प्रॉक्सी लगा के आया, फिर घूम के पीछे से वापस यहाँ पे बैठ गया है, तो बदमाश अथर ने घूम फिर के प्रॉक्सियाँ लगा दी है, नहीं रहती पैस में वरना लग जाती है आसानी से। ऐसा होता है ना कि अपनी अटेंडेंस दे के बाहर निकलना होता है, तो वो बाहर निकल गया वहाँ से आगे से और ऊपर वाले एक डोर है यहाँ पे,
वहाँ पे फिर से वहाँ से आ गया वापस हो गया लॉक। अरे हाँ अब तो लॉक हो चुका है। हम तो अच्छे बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें करते नहीं हैं। तो क्लास आते हैं, तो क्लास आते हैं। किसकी लगा रहा था क्लास आते? तू आता है क्या? आर्ट्स नौ भी आता है। आर्ट्स नौ भी तेरी लगी भी नहीं है। हाँ ठीक है यार, झूठ बोल रहा था। किसकी लगा रहा था तू? अथर्व अपने भाई, अब तो उसी की लगाएगा। अब तो उसी की लगाएगा, थोड़ी ना लगाएगा अब तो भाई, पता नहीं क्या होगा। बड़ा आदमी बन गया है अथर्व कुछ दिनों से, समझ जाओ। कुछ ज्यादा नहीं बोलता, ज्यादा नहीं बोलते। हम तो बच्चे हैं, हमें पता नहीं होता इन सारी चीजों के बारे में। हम तो दूर रहते हैं, मतलब मैं तो दूर रहता हूँ भाई। अब अलग ही हो गया, घूमता हमारे साथ रहता नहीं। हाँ वही तो, वो और वही तो। चिराग 200 का रोल नंबर लगा रहा है। चिराग तेरा तो नाम सी से ना, तेरा तो पहले हो जाना चाहिए। चिराग बदमाशी कर रहा है मेरा, सोचो मेरा 200 रोल नंबर है और मैं भी जा रहा हूँ ऊपर वाले गेट से। चिराग सक्सेसफुल भाई, बिल्कुल पूरा है। फर्स्ट फ्लोर से गया, दूसरे गेट से पीछे से आके फिर इतनी देर रुक के लगाई थी, बाद में ने गेट बंद कर दिया था। तो इन सारी एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होते भाई, लगवाते हैं ना कि दूसरों से भाई। गंदे बच्चे हैं, गंदे बच्चे काट लगा। अभी सौम्यम की फाइल सबमिट हुई है, जो कि उसने पहली बार रिजेक्ट, हाँ पहली बार रिजेक्ट हो गई थी। बंदे भाई कॉपी कर रहे थे अलग अलग बैच के लोगों से, मैंने अपने बैच वाले से कॉपी कर ली, तो उसने मेरी बहुत मारी कि भाई एटलीस्ट इतना तो मत गिरो भाई कि सेम कॉपी कर लो। मेरे को एक्स नाम का सिद्धांत है, सिद्धांत की कॉपी करी पखारिया ने, जो कि पखारिया अलग टेबल पर, वो अलग है ठीक है। तो पर फिर पखारिया की मैंने कॉपी कर ली, पखारिया ने ये भी नहीं मेरे को बताया कि उसने सिद्धांत की कॉपी करी है जो मेरी टेबल पर है। तो भाई उसने मेरी बहुत मारी वहाँ पर जाके, सेम कैसे ले आया सेम। अरे ऐसा है कि चलो अलग अलग कर रहे हैं पर इंट्रा बैच में सेम, इंट्रा बैच में। फिर मेरे को दोबारा लिखनी पड़ी। गंदे बच्चे हैं, टेप पे हम तो खुद जाते हैं। ओए ये सब चीजें तू सभी टेप भाई पढ़ ले भाई, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर चल रहा है, इससे क्या कर सकता हूँ मैं। बस मैम आ रही है, स्लाइड बताई जा रही है पीछे से, पता है मैं बताता हूँ, लोग बोले जा रहे हैं दवाइयों के नाम, और मेरे को लग रहा है आधे डॉक्टर बन भी चुके हैं अभी तक। 500 mg कोटोमेट्रोनाजोल पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, और हम दोनों को ऐसा लग रहा है भाई हम ही पीछे रह गए हैं, बाकी सब डॉक्टर बन चुके हैं। हमको तो टर्म्स भी समझ नहीं आ रहे क्या टर्म्स यूज कर रहे हैं। ऑफ्लक्स, ऑक्सिन, रैंटिडिन, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और बच्चे बोल रहे हैं नहीं नहीं मैम ये वाली दवाई नहीं, ये वाली दो, इसमें ये वाली ज़्यादा सही होती है। तो समझ नहीं आ रहा भाई, सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई बच्चे अभी से। आधे डॉक्टर तो बन ही चुके हैं। पूरा मजा आया लेक्चर में, यस एक अच्छी सी स्लीप लेने उसके बाद। लेक्चर में हमें लगता है कि और कुछ करने के लिए नहीं है तो सो जाते हैं, रूम पे जाकर तो ये लगता है अब सोना ही है। तो समझ नहीं आ रहा भाई, दुविधा है बहुत ज़्यादा। लाइफ है भाई, जिंदगी दुख दर्द पीड़ा। ओके यार, इससे ना फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा था, वहाँ पर DH में हम अच्छे से पढ़ते थे, मज़ा आता था, पढ़ते थे क्लास में। पढ़ते थे या तो बस एंडिंग में जाते थे, बस बीच में नस्की में चले जाते थे घूमने, डीजे खाने। भाई तो DH में तब भी मज़ा आता था, ऑर्गन्स वगैरह देख के सब। यहाँ तो कुछ भी बस पकाते रहते हैं बैठा के। सावन आज अलग कैसे बैठ गया तू? सौम्य में ना हमेशा किसी के साथ बैठा रहता है, आज वो खाली था तो मैंने कहा कि तेरे को वहाँ पर बैठना चाहिए था, रुक मैं ज़ूम करके ट्राई करता हूँ। सिड यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छा जाना भी तो होता है सिड कहीं कहाँ पे, मतलब कॉलेज के बाद जाना वाना रहता है ना लोगों को इधर हाजिरी देने के लिए। और वैसे भी वीकेंड है आपको। हाँ यहाँ पे प्रशांत पचौरी आ गए भाई, बिल्कुल सूट पैंट पहन के भाई, कहाँ से आ रहा है भाई? कॉन्वोकेशन अभी से हो गया क्या? तू निकल गया? पास होने की कॉन्वोकेशन डिग्री मिलती है सावन, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तेरे। कॉन्सेप्ट क्लियर ही कह रहा भाई, मैं सोच रहा हूँ भाई कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया। तूने फोर्थ है, फोर्थ ईयर तक कभी 2017 बैच की थी, 27 बैच की। तो तू क्या कर रहा था ऐसे हैंडसम बन के, क्या घूम रहा है भाई? बुलाया था भाई। तुझे क्यों बुलाया था? ऐसे ही यार, खाना खाने के लिए गया था खाना। ना मैंने सुबह बनते हुए देखे थे मैं, इसमें कुछ नहीं करते, एक ब्रेड पकौड़ा डाल देते हैं, एक फ्रूटी की छोटी डब्बी डाल देते हैं, और एक चिप्स का पैकेट डाल देते हैं, जो चिप्स भी नहीं होता, कुछ मोंटू वॉन्टू चिप्स होता है, जो कि राजेश चिप्स होते हैं। पचौरी की भाई बहुत पहुंच है भाई, देख रहे हो? पचौरी मैं तो कहता हूँ यही अच्छा वक्त है गर्लफ्रेंड बनाने का। अच्छा ऐसी गंदी बातें नहीं करते, सॉरी ये काटना पड़ेगा। और भाई नाइस, मेरा तो चीट डे चल रहा है भाई, मेरा तो चीट ईयर चल रहा है भाई। चलो भाई मैं तो कर ही सकता हूँ। तो अभी करेंटली थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, एंड पढ़ाई करेंगे उसके बाद क्या सीन रहेगा देखते हैं। अभी थोड़ी देर एग्जाम्स आने वाले हैं, मैंने पहले बताया हुआ था कि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसी का थोड़ा प्रिपरेशन चल रहा है। तो बाकी सब तो क्या ही है भाई, सब पचौरी हो तो आपने पहले से सब कुछ पढ़ लिया है, और आप ऐसे कॉन्वोकेशन चीज़ों में जा सकते हो, बट हमारा काम और पखारे जैसे भी बन सकते हो, जो भी सो के उठा है एंड डजंट नो व्हाट टू डू, बस चिप्स खाओ। पचौरी की चीज़ बता दो, दिन का पढ़ लेता जो भी है, पर हमेशा शाम को बोलता भाई यार पढ़ाई नहीं हो रही है, मजा नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, सो जाता है फिर उसके बाद फिर से पढ़ लेता। लगता है अभी मूड नहीं है पचौरी का, अभी काटना पड़ेगा।
अभी हम खाने पे फोकस करते हैं। तो आरका इस अंदाज का राज क्या है? डॉक्टर जो थी मैम उसने वो ड्रॉप दिया, डायलेशन हो गया। अच्छा, डायलेशन हो गया। सावन को बताऊंगा कौन से ड्रग की बात। पावर थी क्या तेरे अंदर? वैसे ऐसे कूल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नाइस। एग्जाम्स आने वाले हमारे। हाँ यार, पढ़ाई लिखाई शुरू होने वाली है। नहीं, अब तक स्टार्ट नहीं किया, पता नहीं। अब तक स्टार्ट नहीं किया। सही में मैं एग्जाम के एक हफ्ते पहले ही पढ़ पाता हूँ, उससे पहले नहीं पढ़। भाई इतना बड़ा झूठ है ना भाई, ये लिटरली भाई हद हो गई। ये ना पूरे ना लाइक ऐसे पढ़ता नहीं है, फिर शाम को भाई शुरू करता है और फिर सीधा एग्जाम पॉइंट पे तक पढ़ता ही रहता है और फिर सीधा एग्जाम पे जाता है भाई। ठीक है भाई, इसलिए पास हो जाता हूँ कभी कभार, बॉर्डर लाइन पे टॉप करता है भाई तुम माइक्रो में। ठीक है, पहली बात मुझे भी नहीं पता, मैं इतना पढ़ता नहीं हूँ, पता नहीं हो जाता है बस। चलो ठीक है, कोई नहीं यार, सावन इज द न्यू टॉपर ऑफ पैथ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, सावन चलते हैं, काटना पड़ेगा ये सारी चीजों। तो चलो अभी पढ़ाई खत्म करते हैं, जल्दी से कुछ खाने वाने के लिए चलो। ये क्या खाना खाने जा रहे हैं, एंड उसके साथ साथ आज 2017 बैच का कॉन्वोकेशन भी है, बट हम इन सब चीजों से बहुत ऊब चुके हैं। लाइक हमारा बैच थोड़ा ऊपर है 2021, तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो यार हम पार्टी इन्वेट्स कर करके थक चुके हैं। हम हमेशा जब भी कोई पार्टी होती है, अरे लिटरली ना बताया कॉलेज में ना, हमारे कॉलेज में वैसे तो कुछ नहीं होता बट ऐसे बहुत कुछ होता है। लाइक हमारे लिए नहीं होता बट वैसे बहुत कुछ होता है। ऐसे कुछ नहीं होता, वैसे होता है। हाँ, मतलब अरे इसका मतलब है कि लाइक हमारे लिए नहीं होता, फेस्ट वेस्ट नहीं होते, लाइक ज्यादा कुछ इतना नहीं होता, बट जो ऊपर वाली बातचीत होती है ना डॉक्टर्स के लिए, वो सब बहुत कुछ होती है। जैसे कि हो रहा है, हाँ रिसर्च के लिए रिसर्च कुछ भी, ऑडिटोरियम में भाई मीटअप हो रहा है, सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं और फिर खाना खा रहे हैं। तो हाँ, तो वो सब उनके लिए होता है। एंड यूजीज के लिए कुछ नहीं होता। हाँ, यूजीज के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। तो हम पता है क्या करते हैं, हम जब भी वो पार्टी हो रही होती है, हम अच्छे बच्चों की तरह ना वहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट चीज सबसे पहले उनके रंग में रंगो। yes. सबसे पहले कपड़े चाहिए आपको है, तो हम सबसे पहले ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, फिर हमें पता चलता है अंदर जाने में तो भाई कुछ बैंड वैंड या उन सब की जरूरत पड़ती है, कभी जुगाड़ करते हैं जैसे ना तैसे करके, तो हमेशा हो ही जाता है। हेलो दोस्तों, मैंने कैमरा थाम लिया है, पता नहीं क्यों बट थाम लिया है, बस मेरे को कुछ बोलना था, मुझे नहीं पता क्या बोलना है, बट अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। लिटरली बहुत बड़ा है। हाँ, और यहाँ पे भाई लाइटिंग सिस्टम भी है, देखो डिस्को लाइट है।